Hi friends, so today we will see on how to take backup of the virtual machines in Azure. तो उसके लिए हम चलेंगे हमारी वर्चुअल मशीन में, जो कि मैंने ये Azure पोर्टल पे वर्चुअल मशीन बना ली है। तो इस वर्चुअल मशीन जिसका नाम है VM01, ठीक है, इस वर्चुअल मशीन में जाएंगे हम और इसका हम बैकअप लेंगे अपने Azure वर्चुअल मशीन का। तो इसके लिए मैं इस पर क्लिक करता हूँ कनेक्ट करके, और RDP फाइल पर क्लिक करता हूँ। RDP फाइल पर क्लिक करने के बाद मेरी वर्चुअल मशीन इस तरीके से लोड हो जाएगी, ठीक है। अब चूंकि मुझे बैकअप लेना है वर्चुअल मशीन का, या फिर इसके अंदर जो भी रिसोर्सेस है, तो मैं इस तरह के लिए या फिर फाइल्स वगैरह है उसका बैकअप मैं ले सकता हूँ। तो इसके लिए मैं टेस्ट फोल्डर बनाता हूँ और उसके अंदर एक फाइल बना लेता हूँ, नोटपैड फाइल बना लेता हूँ। टेस्ट नाम की फाइल बना ली और इसमें लिख दिया मैंने दिस इज ए टेस्ट फाइल। ठीक है, ये मेरी फाइल बन चुकी है। अब मैं इसमें करूंगा क्या कि ये मेरा जो फोल्डर बन गया है इस वर्चुअल मशीन में, इस वर्चुअल मशीन में इस फाइल का बैकअप लूंगा। तो इसके लिए हम चलते हैं हमारे Azure पोर्टल पे, और यहाँ पर देखिए वर्चुअल मशीन के पास हमारे पास अलग अलग प्रॉपर्टीज है। अब बैकअप में इसमें अगर हम देखेंगे तो बैकअप का ऑप्शन देखते हैं, मॉनिटरिंग है, नेटवर्किंग है, इस तरीके से मैं बैकअप ऑप्शन जाता हूँ। ओके, तो मैं यहाँ पर टाइप कर लूंगा या तो बैकअप, ठीक है, बैकअप सेंटर, बैकअप वॉल्ट। तो अजूर की एक सर्विस रहती है जिसको कहते हैं बैकअप वॉल्ट। ओके, तो इसके लिए ये वर्चुअल मशीन का एक बैकअप क्रिएट कर लेगा। अभी वापस हमारी वर्चुअल मशीन पे चलते हैं हम, और यहाँ पर देखते हैं क्या क्या प्रॉपर्टीज अपने को है। ये देखिए बैकअप का ऑप्शन है, यहाँ पर डिजास्टर रिकवरी है, तो ये ऑपरेशन अपन परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसमें हम सिंपल बैकअप करेंगे हमारी वर्चुअल मशीन का। इसके लिए बैकअप पे क्लिक करता हूँ। ओके, बैकअप पे क्लिक करने के बाद अजूर की एक सर्विस रहती है जिसका नाम है रिकवरी सर्विस वॉल्ट। तो ये ऑटोमेटिकली बैकअप वॉल्ट इसका क्रिएट कर लेता है इसके रिसोर्स ग्रुप में, जो हमने वर्चुअल मशीन बनाई है। ओके, अब यहाँ पर आपसे पूछेगा ये किस तरीके की पॉलिसी इसमें है। स्टैंडर्ड है तो वन डे पे बैकअप हो सकता है, 1 to 5 days ऑपरेशनल टायर है। अगर मल्टीपल बैकअप करना है तो उस तरीके से हम बैकअप पॉलिसी चूज कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पर डेली बैकअप पॉलिसी अगर अपन करना है तो इस तरीके से वंस ए डे वो बैकअप फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं। अब अभी यहाँ पर देखिए फुल बैकअप करना चाहिए तो 8 AM AST। अगर मैं टाइम यहाँ चेंज करना चाहूँ तो मैं इसमें सेलेक्ट एक्सिस्टिंग तो नहीं कर सकते हैं, बैकअप फ्रीक्वेंसी में यहाँ से एडिट कर सकता हूँ पॉलिसी अगर मुझे कुछ एडिट करना है। देखिए अगर मैं चाह रहा हूँ IST टाइम में बैकअप होना चाहिए मेरा डेली, या फिर यहाँ पर मैं फ्रीक्वेंसी भी चेंज कर सकता हूँ, वीकली करना चाहूँ मैं तो इस तरीके से मैं दे सकता हूँ कि यहाँ पर रिटर्न इंस्टेंट रिकवरी स्नैपशॉट फॉर 2 दिन के अंदर रिकवर करना है या फिर 5 दिन तक। सो यहाँ पर लिखा है वैल्यू मस्ट बी 5 फॉर बैकअप पॉलिसी विद फ्रीक्वेंसी ऑफ शेड्यूल एज वीकली। मतलब जब आप वीकली शेड्यूल लेंगे तो मिनिमम 5 दिन का बैकअप उसको लगेगा वर्चुअल मशीन को बैकअप करने के लिए। इट्स द लेटेस्ट स्टेप नोट इज द ओनली इंस्टेंट रिस्टोर पॉइंट अवेलेबल, इट विल बी रिटेन्ड अंटिल द नेक्स्ट सक्सेसफुल बैकअप कंप्लीशन। तो यहाँ पर बताया गया है कि अगर अपन लेटेस्ट स्नैपशॉट रिस्टोर पॉइंट अवेलेबल रहता है तो वो अपने नेक्स्ट सक्सेसफुल बैकअप भी रिटेन कर लेगा। तो अपन यहाँ पर डेली बैकअप ले लेते हैं और टाइम में सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मशीन हर डेली डेली बैकअप होगा इसका सुबह 8 बजे, तो अपना IST टाइम जोन में मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, रिटर्न इंस्टेंट रिकवरी वैल्यू 1 to 5 के बीच में होना चाहिए, मतलब हर 2 दिन में ये इंस्टेंट रिकवरी करेगा। ओके, तो यहाँ पर मैं इसकी बैकअप रिसोर्स ग्रुप भी बना सकते हैं अगर अपन चाहें तो। तो यहाँ पर देखिए रिकवरी पॉइंट्स कैन बी ऑटोमेटिकली मूव्ड टू वॉल्ट आर्काइव टायर यूजिंग बैकअप पॉलिसी। ओके, तो इसका मतलब बोलना ये है कि हर 2 दिन में जो रिकवरी पॉइंट बनाएगा वो ऑटोमेटिकली अपनी बैकअप पॉलिसी जो है उसमें बनते जाएगा। ओके, मैं ओके पे क्लिक करता हूँ, बैकअप को इनेबल करता हूँ। ठीक है, अभी ये वैलिडेट करेगा इससे और डिप्लॉयमेंट का सबमिट करने के जाएगा। तो अपनी एक वॉल्ट सर्विस बनेगी इस VM की जो हमने बनाई है, और वो जो सबमिट होगी रिकवरी वॉल्ट में। तो ये डिप्लॉयमेंट प्रोग्रेस है,
अभी 5 से 10 मिनट में ये अपनी पूरी सर्विस बना लेगा और इसने एक्सेप्ट कर लिया है और हमारी वॉल्ट सर्विस बन चुकी है। तो इसको मैं न्यू टैब में अगर ओपन करूँ तो इस तरीके से मुझे दिखेगा, ये अकाउंट पूछेगा किस अकाउंट से आपको ये करना है। तो मेरा जो अकाउंट है इसमें अपने को एक्सेस नहीं है, ठीक है कोई बात नहीं, अपन चेक कर लेते हैं। मेरी वर्चुअल मशीन में चलता हूँ मैं वापस। ये मेरा वर्चुअल मशीन है, ओके। यहाँ पर अपने को दिखेगी प्रॉपर्टीज में जो अपन ने बैकअप क्रिएट करा था उसकी बैकअप पॉलिसी बनी है कि नहीं, वो बनेंगे, ओके। तो ये वॉल्ट बन चुका है, ओके। यहाँ लास्ट बैकअप, इनिशियल बैकअप पास्ट है, पेंडिंग है। यहाँ पर एप्लीकेशन कंसिस्टेंट है, मतलब एप्लीकेशन अगर कुछ इंस्टॉल करना हो तो 30 डेज का रिकवरी पॉइंट दे रहा है ये इस वर्जन में अपना। अभी यहाँ पर देखिए मैं बैकअप रिस्टोर वीएम, ये सब ऑप्शन अपने पास ग्रेड आउट है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन अब वीएम लेवल का बैकअप करना है तो अपन इसमें बैकअप सेंटर में चल के अपन वीएम का रिस्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए अपने को अगर पूरा बैकअप करना है तो इस तरीके से ये पर शो होगा शेड्यूल्ड बैकअप। अभी एक प्रोटेक्शन इसने 1 बना दिया है, ओके। तो अब अगर अपन ये यहाँ पर अपना डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो चुका है तो यहाँ अपन देख सकते हैं, यहाँ पर रिसोर्स में जा सकते हैं अपन, ओके। तो इस तरीके से अपन बैकअप कर सकते हैं। अब ये पूछ रहा है यहाँ पर बैकअप किसको करना है, ये वॉल्ट सर्विस जो बन गई है तो क्या व्हाट यू वांट टू बैकअप, तो अजूर वर्चुअल मशीन अपने को बैकअप करना है। तो बैकअप पे क्लिक करा मैंने, कॉन्फिगर बैकअप कैसे करना है बैकअप, इसकी फ्रीक्वेंसी बोली है। अभी यहाँ पर अपने को वर्चुअल मशीन ऐड करनी पड़ेगी, तो मैं वर्चुअल मशीन का नाम लिख दूंगा VM01। ऑफिस में कैंसिल करके सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, इनेबल करा मैंने बैकअप, प्लीज सिलेक्ट वर्चुअल मशीन फॉर बैकअप। तो यहाँ से भी अपन बैकअप कर सकते हैं, बैकअप इंस्टेंसेस, ये अपने अजूर वर्चुअल मशीन है, ओके। वैल्यू टाइप कौन सी सर्विस अपन ने यूज करी है तो ये वॉल्ट ऑटोमेटिकली इसने सेलेक्ट कर लेगा। इस तरीके से हम बैकअप कॉन्फिगर कर सकते हैं, वॉल्ट सर्विस अभी कॉन्फिगर अपने को बैकअप करना है तो यहाँ पर अपन इनेबल बैकअप कर सकते हैं या फिर इसमें वर्चुअल मशीन ऐड कर देगा ये, जिसका नाम है VM01। बैकअप में चलते हैं वहां अजूर वर्चुअल मशीन के साइट रिकवरी और बैकअप आइटम्स, ओके। देखिए यहाँ पर हम बैकअप आइटम देखते हैं, एक अजूर वर्चुअल मशीन है, मतलब इतनी चीजें बैकअप कर सकते हैं हम, SQL मशीन, SAP की मशीन, अजूर स्टोरेज, DPM, अजूर बैकअप सर्वर, बैकअप एजेंट, ओके। तो अभी अपना बैकअप आइटम्स जो है अजूर वर्चुअल मशीन है, तो इसको देखिए यहाँ पर एक अगर अपन बैकअप करना चाहें तो यहाँ पर अपन इस वर्चुअल मशीन का बैकअप बना सकते हैं, बैकअप आइटम्स और भी अपन ऐड कर सकते हैं दूसरी वर्चुअल मशीन। तो ये दूसरी वर्चुअल मशीन बनाने के लिए कर रहा है, तो एक हमारी वर्चुअल मशीन बैकअप आइटम जो हो रहा है अभी अजूर में है, ठीक है। अभी इसमें मुझे इसका बैकअप करना है इस अजूर वर्चुअल मशीन का, तो हम वर्चुअल मशीन चलते हैं। देखिए VM01 जो है ये अपना बैकअप वर्ल्ड मशीन है, अभी इसमें अपने को बैकअप करना है। तो बैकअप मशीन इसकी बैकअप कब तक अपने को रिटेन करना है, तो ये डेट दे देगा 27 फरवरी तक या फिर 27 नेक्स्ट 30 डेज में ये बैकअप करना है। तो एक शेड्यूल दे देता हूँ मैं, 1 मार्च तक का बैकअप करना है मुझे, ओके। एक कोई भी डेट दे दी मैंने और ये ट्रिगर करना है बैकअप उस वीएम के लिए। तो ये प्रोग्रेस में है, एक 5 मिनट्स में इसका बैकअप पूरा कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ इसका जेसन भी देख सकते हैं अपन कि वॉल्ट सर्विस में क्या क्या सब्सक्रिप्शन है अपने पास, इसका रिसोर्स ग्रुप का नाम क्या है, वीएम का नाम क्या है, ये अपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए जो अपने को कोई भी जेसन टेम्पलेट बनाना है अजूर में उस बेसिस पे भी अपन इसको स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से समझ सकते हैं, ओके। तो अभी हमारा प्रोसेस चालू है, बैकअप ट्रिगर कर रहा है वीएम के लिए और उसकी एक नई वीएम हमको बना के देगा ये, जो कि इसका सेम लेवल का
बैकअप हम देख सकते हैं, फाइल रिकवरी, यहाँ पर फोल्डर भी दिखेगा, उसके अंदर अपने को ये टेस्ट फोल्डर के अंदर टेस्ट फाइल जो बनाई है और उसका जो अंदर का कंटेंट है ये फाइल का, ये भी हम देख सकते हैं, जो अपना नया वर्चुअल मशीन का बैकअप बनेगा उसमें। तो हमारा डिप्लॉयमेंट कम्प्लीट हो जाने देते हैं। देखिए हो चुका है हमारा ट्रिगरिंग बैकअप फॉर 01। अब ये देखिए यहाँ पर एक अपना कॉन्फिगर बैकअप है अजूर वर्चुअल मशीन का, ये अभी अपन ने बनाया है, ये कंप्लीट हो चुका है, डेली जो चलेगा हमारा। ओके, और नेक्स्ट जो बैकअप जो अब बनाया है अपना, ये वाला है जो कि 1 मिनट पहले बनाया है अपने। ओके, इसको भी अपन रिफ्रेश कर सकते हैं, इसका स्नैपशॉट इन प्रोग्रेस में है। होम पे चल के अपन बैकअप आइटम देख सकते हैं आप, वोल्ट में कि हमारा वोल्ट में क्या इसका आउटपुट बताया है। ओके, तो मैं चलता हूँ मेरा बैकअप वोल्ट में, बैकअप वोल्ट कुछ है नहीं मेरा, वोल्ट सर्विस जो अपनी बनी थी बैकअप सर्विस वोल्ट। ओके, अब यहाँ पूछ रहा है यहाँ क्या बैकअप आपको करना है, तो बैकअप गोल में ये जिससे अपन ने देखा था कि वर्चुअल मशीन को बैकअप करना है, तो नई वर्चुअल मशीन भी अपन ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। ओके, तो अभी अपना बैकअप आइटम देख सकते हैं क्या क्या हो चुके हैं, एक वर्चुअल मशीन है। ओके, टेस्ट आर जी ऑल डेटा पेज फ्रॉम दिस सर्विस, बैकअप फ्री चेक अपना पास हो चुका है। ओके, डेली पॉलिसी सेटिंग भी अपन देख सकते हैं, बैकअप फ्रीक्वेंसी हर डेली पे 8 बजे बैकअप होएगा IST टाइम के अंदर। ओके, तो इस तरीके से हमारा बैकअप बन चुका है और हमारी वोल्ट सर्विस में जो बैकअप है वो हमने बैकअप कर लिया एक VM को। ओके, यहाँ से अपन दूसरी VM अगर बैकअप करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। बैकअप पॉलिसीज क्या है अपनी, तो बैकअप पॉलिसीज ये डेली अपने सेलेक्ट करिए अपना जो VM में है। ओके, तो इस स्टेप से अपन इसका रिस्टोरेशन कर सकते हैं, अगर अपने को रिटेंशन भी करना है या फिर इसका कुछ नया रिसोर्स ग्रुप बनाना है तो वो भी अपन अपडेट अपडेट पैदा कर सकते हैं इसमें। ओके, एंड हम अपन चल सकते हैं कि बैकअप वॉल्ट में जो ये वर्चुअल मशीन है हमारा, इसमें बैकअप आइटम्स अपन देखें बैकअप्स में। ओके, तो इसमें देख सकते हैं यहाँ पर अपना जो स्टोरी पॉइंट 60 डेज का है और यहाँ पर जो है अपना ऑप्शन रेड आउट है, यहाँ पर अगर मुझे रोकना है बैकअप तो मैं रोक भी सकता हूँ। यहाँ वर्चुअल मशीन सेलेक्ट करके क्या है, प्रोडक्ट हैज बीन टू मेनी एरर्स इंस्टॉल द बैकअप, और इस टाइप से अपन बैकअप को रिस्टोर भी कर सकते हैं या फिर स्टॉप भी कर सकते हैं। ओके, तो ये हमारा वीडियो था बैकअप का, हजूर में वर्चुअल मशीन में किस तरीके हम बैकअप करते हैं और किस तरीके किस डेट से अपन बैकअप कर सकते हैं और उसकी रिस्टोरेशन कैसे कर सकते हैं, बैकअप को कैसे रोक सकते हैं, पॉलिसी बना सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, स्टे कनेक्टेड विद अवर चैनल एंड हैव अ गुड डे।